टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा हमारे बीच अब नहीं रहे। 86 की उम्र में उनका निधन हुआ बीते 9 अक्टूबर की तारीख को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में, जहां उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधित दिक्कतों की वजह से भर्ती किया गया था। बुधवार रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया है। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया जाएगा। रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। जी हाँ, ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है, रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तिरंगे में लिपटे उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट के NCPA ग्राउंड में ले आया गया है। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अंतिम दर्शन के लिए कोलाबा स्थित उनकी आवास से NCPA ग्राउंड ले जाया जाएगा। रिपोर्ट्स कहा जा रहा है, गाने बजाने के साथ उन्हें अंतिम विदाई मिलेगी। नेक्स्ट 9 लाइव।